अलग से वहाँ जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन उसकी तैयारी लोग पहले से, क्योंकि बारिश होती है तो उसकी तैयारी पहले से लोग बहुत कर नहीं पाते हैं। अब एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी, गंगा नदी पर सूखने का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा उस जगह की बदलती तस्वीर से पैदा हुआ है जहाँ से गंगा निकलती है, यानी गौमुख। न्यूज 18 इंडिया ने गंगोत्री से गौमुख तक का 19 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया और कदम कदम पर हमें ऐसी तस्वीर मिली जिससे गंगा पर खतरे की बड़ी आहट मिलती है। हमारी पड़ताल में पता चला कि गौमुख से बर्फ गायब हो रही है और हर साल वो 35 मीटर पीछे खिसक रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहा है उससे यह आशंका है कि अगले 50 साल में ये ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाएगा। गंगा पर खतरे की हमारी पड़ताल देखिए रात 8 बजे। दीपक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दीपक, जब आप ये पूरा सफर तय कर रहे थे जिसको लगातार हम दिखा रहे हैं और 8 बजे हम इसकी बड़ी कवरेज दिखाएंगे, आपने क्या क्या पाया इस दौरान और कैसे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गंगा में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? जी देखिए, सफ़र जब हमने किया तो शुरुआत में हमें लगा कि शायद जो हमने सुना है या जो हम रिपोर्ट्स में पढ़ रहे हैं उतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब सफ़र की आप शुरुआत करते हैं और आप चंद किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देती हैं। 2 किलोमीटर ही शायद हम चले होंगे और हमने दूर दूर तक कहीं भी बर्फ़ नहीं देखी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब आप चलना शुरू करते थे गंगोत्री ग्लेशियर में, एक समय होता था आज से करीबन 30 से 40 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उस वक्त जो है बर्फ़ जो है काफ़ी ऊपर तक होती थी और आपका पूरा पैर उसमें धस जाता था, आप एक कदम नहीं चल सकते थे, लेकिन आज आप मीलों तक चल जाते हैं बर्फ़ नज़र नहीं आती है, सिर्फ नाम का ग्लेशियर रह गया है, ग्लेशियर की जगह सिर्फ सूखे पहाड़ नज़र आते हैं। लेकिन जब आप गौमुख के पास जाते हैं तो गौमुख के पास जाने के बाद आपको हैरानी और ज़्यादा होती है, क्योंकि वो गौमुख जहाँ से गंगा निकलती है वो गौमुख अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, एक छोटा सा अंश मात्र ही उसका बचा रह गया है जो कभी 30 किलोमीटर लंबा बताया जाता था, करीबन 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा बताया जाता था और 40-50 मीटर ऊंचा बताया जाता था, आज वो करीबन सिकुड़कर एक छोटा सा ग्लेशियर के पहाड़ के रूप में रह गया है जो कि बताया ये जा रहा है कि अगले 30 से 40 सालों में खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स, उनकी रिसर्च साफ कह रही है कि गंगोत्री ग्लेशियर जिसमें गौमुख है वो अगले 30 से 40 सालों में खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होने का मतलब कुछ इस तरीके से समझिए कि जो गंगा जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है उस गंगा का क्या होगा। अभी गंगा हमें गंदी नजर आती है लेकिन कुछ समय बाद वो गंदी जो गंदी गंगा हो चली है वो भी नजर नहीं आएगी। जी शुक्रिया दीपक आपका। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी हैं। कटारिया जी, एकदम बड़ा संकट है तो गंगा अगर पूरी तरीके से सूखने का खतरा बने? नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी और सरकार जो है उस विषय के अंदर जो है वो सारी चीज़ों का संज्ञान ले रही है और आने वाले समय में जो हमने गंगा के बारे में जो कार्यक्रम चलाए हैं और उसकी जो जलधारा है वो बिना रोक टोक के हुए उसके लिए सारे प्रयत्न सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है, न्यूज 18 इंडिया की टीम वहाँ पर गई, देखा ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है और हर साल कुछ ना कुछ पीछे चले जा रहा है वो, तो एक बड़ा संकट तो आने वाले समय के लिए ग्लोबल वार्मिंग को। हाँ, उस संकट को अगर कोई आता है तो उसके जो है उसका समाधान करने के लिए भी सरकार के पास व्यापक नीति है और सब चीज़ों के ऊपर विचार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। गौमुख के ग्लेशियर पर न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर हमारे पास बात करने के लिए हैं अनिल बलूनी जी। सर, आप भी उत्तराखंड से आते हैं, किस तरीके से, सबसे पहला सवाल, आप इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं? देखिए, जो आपने कहा है और जो आपका टीवी की टीम वहाँ गई है और ग्लेशियर्स के पिघलने की बात कर रही है तो ये तो एक पूरा दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा चल रही है और ये वाकई एक बड़ा गंभीर खतरा है। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी उसका मेंबर भी रहा हूँ, हम लोगों का लगातार प्रयास ये रहा है कि किसी प्रकार से इसकी गति को धीमा किया जाए। ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है और बड़ा कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारी एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा और दुनिया भर के लोगों को काम करना पड़ेगा। दुनिया की जो और जो बड़े देश हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोषी भी हैं उनको भी मिलकर मदद करना पड़ेगा। हम दुनिया में जितना ये लोग और प्रदूषण करते हैं, जितना कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, हम तो बहुत कम करते हैं।
मुझको लगता है कि पूरे विश्व को मिलके इन सब समस्या के लिए करना पड़ेगा और इसके लिए कोई बड़ा रोड मैप बनाना पड़ेगा। ये इसके लिए कोई चुटकी के साथ कुछ नहीं सोचा जा सकता। बंगाल से बीजेपी एमपी हैं शांतनु ठाकुर हैं हमारे साथ। इनके भी इलाके के पास गंगा नदी पवित्र बहती हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की खबर के बाद हम इनसे बात करते हैं। सर, 35 मीटर हर साल वो ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक विस्तृत पड़ताल की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली बात है कि हमारा जो क्षेत्र है बनगांव एंड उसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कल्याणी, वहीं से जाते हैं गंगा। मेरे ख्याल से ग्लोबल वार्मिंग जितने सारे हो रहे हैं, ये तो जहाँ से गंगा का उत्पत्ति हुआ है वहीं से तो बर्फ़ अभी गायब हो रहा है। तो इसका कारण पड़ रहा है कि गंगा का जो गति है वो गति का थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो इसके कारण हमारे जो सिटीज़ हैं, जो गांव हैं, इसमें बहुत सारे प्रभाव पड़ रहा है। कल्याणी गंगा के सूखने का खतरा पैदा हो गया है। गोमुख से 19 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया है। बात करते हैं उत्तराखंड के बीजेपी प्रमुख और सांसद अजय भट्ट जी से। अजय जी, गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर दूर चला गया गोमुख और कहा यह जा रहा है कि गंगा के सूखने का भी खतरा पैदा हो गया। जो गोमुख है वहाँ के ग्लेशियर पीछे खिसकते जा रहे हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग इस समय हो रही है, इसकी वजह से समुद्री स्तर तो बढ़ रहा है और हिमालय से बर्फ़ पिघलने से वहाँ पर पीछे को लगातार ऐसे ग्लेशियर खिसक रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी सरकार का, हमारा ही नहीं पूरे देश की सरकार का ध्यान वहाँ पर है। आज रात 8 बजे हम आपको न्यूज़